आप बेहतर बता सकते हैं, कोई आके नहीं बता सकता आपको, तो वो चीज करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ना ले दीक्षा, किसने बोला है सर पे ये बोझ लेने के लिए, जब आपके पास वक्त हो तब तो कर ले। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे आगे जाना है। क्वेश्चन है, बहुत देर से क्षमा कीजिएगा, यस नंद कुमार फरमाइए, क्षमा कीजिएगा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ जी, समय नहीं है मैं जी। प्रभु आपने बताया, श्रील प्रभुपाद जी ने आपने भी बुक्स में ऐसा लिखा है और आपने भी बहुत अच्छा बताया कि ये चार नियम का पालन करना चाहिए, 16 माला कंटिन्यू करना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो मेरे शिष्य नहीं है या वो कृष्ण भवन में नहीं। तो प्रभु ऐसा देखा गया है कि कुछ हम भी देखते हैं और के अनुभव भी है कुछ, के जो ये चार नियमों का पालन भी करते हैं और 16 माला भी करते हैं, स्व मंगल आरती भी अटेंड करते हैं, लेकिन उनका रवैया या उनका एटीट्यूड ऐसा अजीब सा होता है कि आप उसको मैं बयान नहीं कर सकता, लगता ही नहीं कि भक्त है। जी जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी। तो देखिए एक चीज, इस चीज को समझ लीजिए बहुत उससे, क्योंकि करी अगर आपने ये बात क्योंकि उठाई दी है, तो इस चीज को समझ लीजिए कि इस्कॉन में, ठीक है ना, और इस्कॉन ही क्या, किसी भी रिलीजियस तंजीम में मोर देन 90% जो होते हैं, उसके जो मानने वाले होते हैं, उसके जो पैरोकार होते हैं, वो नियोफाइट होते हैं। नियोफाइट का मतलब नौसिखिए होते हैं। किसी भी रिलीजियस तंजीम में, सिर्फ इस्कॉन ही क्या, किसी भी रिलीजियस तंजीम में उसके जो पैरोकार होते हैं 90% से ज्यादा वो नौसिखिए होते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा बात मुकम्मल करने दीजिए, मैं समझ गया, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि ये मसला जो है बहुत संजीदा है, मैं समझ सकता हूँ। तो इसीलिए माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, कैसे शोर आ रहा है, संजय प्रभु को वहां से आ रहा है। संजय प्रभु जरा माइक्रोफोन ऑफ करना। तो बंद नहीं किया उन्होंने, ये OPORA A3 वहां से भी आवाज आ रही है, माइक बंद कर दीजिए, किसका माइक खुले हुए हैं, बस कोई शोर हो रहा हो गया। तो मैं क्या बोल रहा होता ना, सब निकल जाता है दिमाग से। एनीवे तो प्रभु, तो ये इसीलिए प्रभुपाद ने जो है अपनी किताबों में ये लिखा है कि आप जहां तक भक्तों को चुनने का सवाल है उनका संग करने के लिए, तो बहुत ध्यान से चुने। हमने पहले भी बात करी थी, प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं लिखा कि इस्कॉन में जिसके मर्जी के साथ बैठ जाइए। इस्कॉन के अंदर भी प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं बोला कि इस्कॉन में सारे भक्त जो है बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ जाके बैठ जाइए। नहीं, बहुत ध्यान से चुन चुन के भक्तों का जो है चुने भक्त संग करें। तो अब जो आप बात करें कि 20 साल 25 साल, इसमें सालों का लेना देना कोई नहीं है। अगर यार मैं 20 साल से सो रहा हूं, तो फिर वो उस 20 साल से सो रहा हूं मैं, वही वाली बात। तो 20 साल मैंने इस मूवमेंट में काटे नहीं, मतलब मैंने मूवमेंट में काटे हैं, कट गए, वो और चीज। उससे आप भगवान को मुतासर नहीं कर सकते जी, मैंने 20 साल से इस्कॉन में हूं, ले चलो मुझे वापस, 20 साल से तुमने क्या झक मारी है, ये पूछा जाएगा। तो इसीलिए वो नहीं, हालांकि बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूं और हमदर्दी भी रखता हूं आपकी बात से, कि 20 साल पुराने भक्त से ये तवक्कु की जाती है कि वो कुछ तो मतलब शहूर का मुजाहरा करे। तो नहीं, आध्यात्मिक शहूर नहीं होता कईयों में, इसके बावजूद नहीं होता। तो इसीलिए ये देखने की जरूरत है, और तभी हम कहते हैं सबसे अच्छा यही है, आप किताबें पढ़ें, प्रभुपाद का संग करें, ठीक है। अगर आपको अच्छे भक्त मिलते बहुत अच्छा, नहीं मिलता आपको कोई, अगर आपको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा तो जहर खा के पेट थोड़ी ना भरेगा कोई, तो ये मतलब है। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी नहीं है ऐसा, सब बदमाश है, एक भी ऐसा नहीं है, तो आप प्रभुपाद के साथ रहें। मगर अगर आप ढूंढेंगे तो एकाधिकाध मिल जाएगा, एकाधिकाध ही होते, जत्था नहीं होता पूरा, जत्था नौसिखियों का होता है। तो कुछ ही एकाधिकाध लोग होंगे जिनके साथ दिल मिलेंगे और जिनसे जो है आप जो है आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, उतना ही हो सकता है। विष्णु लोक प्रभु ने हाथ खड़ा किया हुआ है, उसके बाद मुझे खत्म करना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस विष्णु लोक प्रभु जी, मेरा सवाल ये था
कुछ भक्त लोग जो काउंटर पे माला करते हैं और जप माला पे नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जप माला पे जप करना सबसे बेहतरीन है, मैं तो यही कहूंगा इसके अंदर, क्योंकि इस मेरे पास इसकी इजाजत नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप काउंटर पर माला कीजिए, क्योंकि मैं दीक्षा गुरु नहीं हूं। अगर मैं दीक्षा गुरु हूं और मैंने अपने किसी शिष्य को जो है इसकी इजाजत दी है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। और अगर मैं दीक्षा गुरु नहीं हूं तो मैं जेनरिक बात कर सकता हूं कि ये इख्तियार दीक्षा गुरु के हाथ में, कि अगर वो कोई ऐसा कोई केस देखे कि उसको पता है कि वो नहीं कर सकता, ये तो उसकी छूट जाएगी माला, तो वो अगर ऐसा दे किसी को इजाजत कि आप कर लीजिए काउंटर पे माला, तो ठीक है। मगर आपने जो अपने दीक्षा गुरु को जो जो वायदा किया है ना, तो उसके तहत आपने 16 माला चार नियम कम से कम करने का वायदा किया है, और दीक्षा गुरु ने उसके बदले में आपको एक जप माला दी है, इसीलिए दी है ना जप माला, कि आप उस पे जप करें। पर अगर आप उस पे जप नहीं कर सकते, तो आप अपने दीक्षा गुरु को बताए तो सही कि मैं जप माला पे जप नहीं कर पाता, जो भी आपकी वजह है वो आप बताए कि मैं इस वजह से जप माला पे जप नहीं कर पाता, मैं काउंटर पे जप कर रहा हूँ या मैं उंगलियों पे जप कर रहा हूँ, जैसा भी। अगर आपका दीक्षा गुरु जो है आपकी आपके आर्गुमेंट से जो है अगर उससे जो है अगर वो मुतमईन है, ठीक है आप कर, तो मतलब इस मामले में मामले को अपने हाथ में ना ले लें। जहां पर दो लोग शामिल है एक करार के अंदर, दीक्षा एक करार है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक करार के अंदर जब दो फर्ज शामिल है, तो एक बंदा जो मामले को अपने हाथ में ना ले ले, दोनों के ही उससे हो कि आप अपने दीक्षा गुरु को बता दे, मेल कर दे, चिट्ठी लिख दे, कुछ भी। आप तो बहुत आसान है कि यार ये मेरा मसला है, इस वजह से जो है मैं जब माला पे जब नहीं कर पाता, परमिशन ले ले, बात खत्म। ठीक है, ओके। अब मैं आगे जा रहा हूं। प्यूरिफाइंग प्रोसेस इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी, तो ठीक है। तो ये जो हम बात पहले कर जहां पे जहां से सवाल उठे हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब किसी भी हालत में ना छोड़े, ठीक है, अगर नियम टूटते भी तब भी ना छोड़े, क्योंकि वही अकेला क्या कहते हैं हमारा साथी है जो हमें बचा सकता है आगे। ओके, अब देखिए आप प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। This is tug of war. तो ये रस्साकशी है, रस्साकशी का खेल नहीं खेलते बच्चे, इधर खींच रहे इधर खींच, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ माया, तो इसलिए माया से डरे नहीं, इस मामले में माया से ना डरे। सिंपली एनहेंस चैंटिंग एंड यू विल बी कॉन्करर, आप अपनी जप को बढ़ाइए धीरे धीरे, यानी कि दोनों दोनों चीजों पे मयार जो है, जप का मयार भी बढ़ाए और जप की तादाद भी बढ़ाएं, ठीक है ना। अगर आप अपने जप की जप का और कीर्तन का मयार और तादाद दोनों बढ़ा सकते हैं, तो आप माया पर जो है फतेह हासिल करेंगे। प्रभात लिख रहे हैं साफ, ठीक है ना, आप फतेह होंगे, दैट्स ऑल। प्रभात कह रहे हैं बस, कृष्णा से कौनते प्रति जानी है नामे भक्त प्रणश्यति, भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के 9वें अध्याय में 31वें श्लोक में बता रहे हैं कि तुम बताओ कि मेरे भक्त का जो है वो कभी भी माया से हारता नहीं, साफ लिखा है मेरा भक्त माया से हारता नहीं। माया कैन नॉट डू एनीथिंग, माया कुछ नहीं कर सकती। सिंपली यू हैव टू बिकम स्ट्रांग, बस आपको जो है मजबूत बनना है, आपको ताकतवर बनना है। तो वो ताकतवर कैसे बनेंगे, वो ताकत क्या है, चैंटिंग हरे कृष्णा लाउडली, यस, जोर जोर से जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना, बस। तो उससे जो है आपके अंदर वो ताकत आएगी जिससे आप माया का मुकाबला कर सकते हैं और एक दिन जो है आप माया पर फतह हासिल कर सकते हैं। प्रभु लाउडली करते हुए बनी आवाज, प्रभु ये माइक तो बंद कर दें एक्स्ट्रा, प्रभु जी हरे कृष्णा, ये ओप्पो को किसका मोबाइल है प्रभु, क्षमा कीजिएगा, वो शोर हो रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा माइक खुला हुआ है, मन यहाँ वहाँ जाता है, उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्या, माफ कीजिए, लॉटरी भी जपा करने के बाद भी अगर मन यहाँ वहाँ भटकता है कुछ, आपका काम है अपनी जबान को इस्तेमाल करना और अपने कान को इस्तेमाल करना पहले, बस मन पे जबान से हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है और कान से सुनना है, मन की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कहीं भी, मन बात अपने आप आ जाएगा, ठीक राय रास्ते आ जाएगा।
जब हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी ये पेज नंबर बताए, पेज नंबर मिल नहीं रहा हमें, ये सामने वाला, ये वाला जी जी एक उर्दू का ये जो इजाफा जाते हैं ना उसके अंदर होना चाहिए, ये इजाफा जात में होगा। एक मिनट प्रभु, ये पेज नंबर 52 के अंदर है, आखिरी पेज, आखिरी पन्ना है, 52-53 आखिरी, हाँ आखिरी पन्ना है, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी पन्ना 53 ठीक है, ओके ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है आज हमारे ये दोनों सबक किसी तरीके से मुकम्मल तो हो गए। ये वाला छोटा था तो मुझे अंदाजा था ये छोटा, तो ये हो जाएगा, तो हो गया गुड। और कल से जो है हम तीसरी इकाई पे जाएंगे, कल से जो तीसरी इकाई है जिसके अंदर जो है तहत हम तीसरा गुरु पूजा, हाँ गुरु पूजा, गुरु के साथ रिश्ते के दरमियान सरगर्मी, हाँ अब क्यों, क्योंकि देखिए पहले क्या हुआ, सबसे पहले देखिए इसको, इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने, सबसे पहले हमने देखा कि बेसिक जो जो उसकी थ्योरी है वो क्या है, जो वो जब वो मुकम्मल हो गया फिर हमने क्या किया कि गुरु के साथ अपने रिश्ते को कायम कैसे करें, ठीक है ना। जब आप रिश्ते को कायम कर लेंगे, यानी आज नहीं सेशन का ये सबक खत्म हो गया, यानी रिश्ता कायम हो गया, तो जब रिश्ता कायम हो गया तो अब रिश्ते पे आगे चला कैसे जाए, कायम होगा तो चलने की जरूरत है ना। अगर अगर मेरे 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 गुरु, मेरे पास दीक्षा गुरु वगैरह, मेरा गुरु का कंसेप्ट ही नहीं है कोई मेरे पास, तो फिर गुरु पूजा गुरु सेवा करने का क्या मतलब है। उन सब के लिए पहली शर्त जो है वो गुरु का होना है, तो इसलिए पहले हमने गुरु के साथ रिश्ते को कायम किया और अब हम जो है उस रिश्ते के तहत जो है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कल से जो है ऐसे इसमें आगे चलेंगे। तो मैं आपको बस इसके अंदर ये बताता चलूं, हमारा वक्त हो गया है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसका जो ये जो चैप्टर नंबर, ये जो आठवां सबक है, इसका जो इजाफिया है, इजाफा जात जो है बहुत छोटा सा है, वो पढ़ लीजिएगा, एक पेज भी नहीं है पूरा। पेज नंबर बता दीजिएगा प्रभु, हिंदी का ये जो मैंने प्रभु, इजाफा जात में कौन सा पेज नंबर है, इजाफा जात इसका 55। एक सेकंड मैं जरा देख लूं, मुझे भी समझने की जरूरत पड़ती है कई बार। आया बक्सा 53, दूसरा बक्सा आया 55 नहीं है, ये कौन कह रहा है 55 है, 55 नहीं है, ये 58-59 है। उर्दू की प्रभु जी, प्रभु जी हिंदी, थैंक यू, हिंदी आ रहा हूँ, 58-59 है उर्दू में, हिंदी में जो है हिंदी में है ये, क्या नाम है, 45-46। अरे कृष्णा प्रभु जी उर्दू में दोबारा रिपीट करें, उर्दू में था क्या था यार, 58-59 देखिए ना, इजाफिया लिखा होगा उसके अंदर, इसमें नहीं है प्रभु जी, अरे कृष्णा इजाफिया नहीं है ना, हर बार तो नहीं लिखा हुआ ये इजाफिया प्रभु, 58-59 नहीं है प्रभु, इजाफिया तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ भाई जी, जो 58-59 में जो दिया हुआ वो पढ़ लीजिएगा बस, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है, ठीक है। इंग्लिश में, इंग्लिश में, इंग्लिश में 44, इंग्लिश में 44, ठीक है। और फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगा, आप सबका